मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, आज हम उपस्थित हैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ वृश्चिक राशि वालों के लिए बताने के लिए कि वृश्चिक राशि वालों का समय कैसा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। 30 दिन के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होगा आपकी राशि के अनुसार से, आपके अष्टम भाव में सूर्य आ रहे हैं और 30 दिन यहीं रहेंगे। अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है, अष्टम भाव बंधन का भाव माना जाता है, अष्टम भाव जेल का भाव माना जाता है, अष्टम भाव कई प्रकार की विशेष तौर पर नेगेटिव भाव के रूप में गुप्त ज्ञान का भाव भी माना जाता है, मिस्ट्री का भाव भी माना जाता है और बहुत तरह के रहस्यों का भाव भी माना जाता है। साथ साथ जो सूर्य है आपकी राशि के अनुसार से कहाँ के स्वामी है, दशम भाव के, दशमेश हैं। दशम भाव कीर्ति का भाव, यश का भाव, नौकरी का भाव, पिता का भाव, और ये जो विशेष तौर पर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि दशमेश आपके विशेष तौर पर समझें इन राशि का परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में आ गए हैं, तो ग्रहगण दृष्टिकोण से ये अष्टम भाव में क्या कुछ करने के योग बनाने वाले हैं। ये समय थोड़ा भारी रह सकता है आपके लिए कई क्षेत्रों के अनुसार से, और ऐसे में जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। आपको बड़ी सावधानी के साथ कुछ खास उपाय करते हुए इस समय को निकालने का प्रयास करना है, अन्यथा यह समय आपको थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकता है। उपाय है, बिल्कुल बहुत छोटा सा उपाय हम आपको देने वाले हैं। पहले समझ लें क्या कुछ करने के योग दिखाते हैं। देखिए, अष्टम का सूर्य अगर ज्योतिष के गोचर में दृष्टिकोण समझें, अष्टम का सूर्य जब आता है तो एक तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी शिक्षा में कमी लाने के योग बना देता है। जो लोग नौकरी में होते हैं उनके नौकरी के संबंध में कुछ यानी अपॉर्चुनिटीज में कमी लाने के योग बना देता है। नौकरी में कुछ उठापटक करने की स्थिति, अपमान की स्थिति बनाने के योग बना देता है। छोटे छोटे कार्यों के द्वारा काम करने का प्रयास करते हैं, बड़े कार्य के चक्कर ना फंसे, छोटे छोटे कार्यों से लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। यात्रा के योग अवश्य बनते दिखाई देते हैं। अष्टम का भाव का स्वामी जो होता है, यात्रा का भाव भी माना जाता है अष्टम भाव, वो यात्रा के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन मन अननेसेसरी परेशान की स्थिति में फंसता रहता है। तो इसलिए खासतौर पर मन का और स्वास्थ्य का दोनों को ध्यान रखने का आपको प्रयास करना है। ये सूर्य जिस प्रकार से जा रहे हैं वो मन को थोड़ा उद्विग्न करने के योग बनाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। सूर्य अष्टम भाव के सूर्य पित्त को भी वृद्धि करने के योग देते हैं और खासतौर पर नेत्र संबंधी रोग भी देने के योग दे देते हैं। ऐसे में गर्मी का मौसम चल ही रहा है और गर्मी के मौसम के अनुसार से थोड़े से पित्त के संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं, तो आपको खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक उपाय आप नोट कर लीजिए, ये उपाय आप करेंगे तो देखिए नित्य प्रति आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गौ सेवा आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय हम आपको बताने का प्रयास करें। थोड़ी से रोटी में थोड़ा मीठा गुड़ लगा लीजिए और गौ के निमित्त हर रोज थोड़ा बहुत दान कर दीजिए। जहां गायें दिखाई दी जाए या गौशाला में नित्य प्रति सुबह सुबह ये काम कराएं, ईश्वर की कृपा से आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। देखिए, मिथुन राशि या विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया है। कोई लाग लपेट नहीं, सीधे सा उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया तरीके से इस जो सूर्य का परिवर्तन जो थोड़ा नेगेटिव है उसका आपको खासतौर पे लाभ की स्थिति बन जाएगी और सूर्य का परिवर्तन आपके कष्टों को हर, ये जो सूर्य कष्ट उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, ये गऊ की सेवा करने वाला जो उपाय है आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। रोटी निकाल के रख दीजिए, जब समय मिल जाए गाय के लिए भिजवा दीजिए, देखिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे विदेश में, देखते हैं गाय तो मिलेगी नहीं, क्या करें। अरे आप कुछ गौशाला के निमित्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गाय के निमित्त कार्य कर रही होती हैं, गाय की सेवा के निमित्त अपना कुछ दान पुण्य गाय को भिजवा दीजिए और मंदिर उनके मंदिर में भिजवा दीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा आज तो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, थोड़ा बहुत अपना जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार से आप गौशाला के निमित्त दान कर दीजिए, वही उपाय हो गया और ये कल्याणकारी बहुत रहेगा। पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए समय बनने वाला है, और नहीं तो ये सूर्य आपके लिए एक थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग देते दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं आप इसको पॉजिटिव समझकर कार्य करने का प्रयास करेंगे और पॉजिटिव चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।